कुछ नया खाना है और टेस्टी भी खाना है, तो बस जल्दी से बना लीजिए ये पनीर स्लाइडर, जो कि बहुत यम्मी लगता है और बनाना उससे भी ज़्यादा इजी है। तो कैसे बनाना है एक बार रेसिपी देख लीजिए, अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको मिलके सभी के साथ शेयर कीजिए, और जिससे कि इस रेसिपी का आनंद हर कोई उठा सके। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है, ये देखिए मैंने पाव ले लिया है, और इस तरह से मैं बीच में इस तरह से मैं इसमें कट लगाऊंगी, और चम्मच की सहायता से इसको अंदर इस तरह से हम दबा के और इसमें एक जगह बनाएंगे, एक पॉकेट सी बना देंगे। और ये मैंने ले लिया है पनीर की भुजी। पनीर की भुजी आपको पता ही है कैसे बनती है, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। पनीर की भुजी बनाने के लिए यहाँ पर आप 2 चम्मच कढ़ाई में तेल डालिए, उसमें थोड़ा जीरा डालिए, प्याज डालिए, उसमें प्याज को जब भून जाएगा और अदरक लहसुन का पेस्ट उसमें डाल दीजिए, थोड़ी सी कैप्सिकम डाल दीजिए, और इसमें पनीर जो है ना मैश करके डाल दीजिए, और उसमें नमक और थोड़ी सी लाल मिर्ची डालकर इसका हमने ये पनीर का भुजी तैयार कर लिया है। और इसको मैं इस तरह से मैं इसके अंदर ये भर दूंगी, तो मैं जो है ना कम से कम इसमें 1-1.5 चम्मच के करीब अच्छे से दबा दबा के इसमें हम भर देंगे। और ये देखिए इस तरह से ये मैंने सारा भर दिया है इसके अंदर। अब इसके ऊपर डालेंगे हम ये चीज़, यहाँ पर मैंने मोजरेला चीज़ ली है, और इसको खूब सारा मैं इसके ऊपर इस तरह से मैं पूरा डाल दूंगी। और इसके ऊपर फ्लेवर के लिए हम ओरिगेनो डालेंगे 1/2 चम्मच, और चिली फ्लेक्स भी डालेंगे 1/2 चम्मच, और इससे ना टेस्ट अच्छा आ जाएगा, थोड़ा सा इसमें फ्लेवर ना बहुत ही अच्छा आ जाएगा इस तरह से। और बस इसको अब हम बनाएंगे कढ़ाई में, तो कढ़ाई में इस तरह से एक स्टैंड रखिए और इसके ऊपर ये रखिए, और ढक के इसको लो फ्लेम पे, और इसको कम से कम आप इसको 5 से 10 मिनट इसको बेक करने के लिए रख दीजिए। और देखिए इस तरह से हमारा पनीर स्लाइडर तैयार हो जाता है। ऊपर से गार्लिक बटर लगा लीजिए, और इस तरह से मैं कुछ मेयोनीज जो है ना इस तरह से मैं लगा दूंगी, और जिससे कि ये ऊपर से भी देखने में सुंदर लगेगा और खाने में भी और भी टेस्टी लगेगा। तो ये देखिए फटाफट से बनने वाली रेसिपी, और बस आप बनाइए और इसको इंजॉय कीजिए।